कमियों को दूर कर देती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी का प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस ने आम मतदाताओं को साधने के लिए लोकतंत्र बचाओ जनजागरण यात्रा का आगाज किया। ये यात्रा सभी उपचुनाव वाली 28 सीटों पर जाएंगी। इस दौरान कांग्रेस नेता चौपाल लगाकर मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। लोकतंत्र बचाओ यात्रा को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कमलनाथ ने कहा कि मैं किसानों और नौजवानों की मतदाताओं पर भरोसा करता हूं कि वो सच्चाई का साथ देंगे। जनता गवाह है, मैं तो भरोसा कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के नौजवानों पर भरोसा कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के किसानों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर मैं भरोसा कर रहा हूं। और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा निकालने जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। आप देख सकते हैं लोकतंत्र बचाओ जन यात्रा ये आज से शुरुआत होगी और हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करने। सर, ये यात्रा निकाली जा रही है, किन रूटों पर जाएगी ये? जिस उपचुनाव होने वाले सभी 28 सीटों में जाएगी और हम कमलनाथ जी के जनहितैषी कामों को और भारतीय जनता जिस तरह षड्यंत्र करके चलती हुई जनहितैषी काम कर रही सरकार को गिराया तो आम जनता के बीच में ले जाकर उनके कामों को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने। तो देख सकते हैं कि यात्रा के माध्यम से जो कमलनाथ सरकार ने जो 15 महीने में जो काम किया उन 15 महीने के काम का ये यात्रा बखान करेगी। कैमरामैन आमिर के साथ सनी मालविया, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। और भांडे